हाय चुईसी टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। यार ये वीडियो है, हम चिलर को स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यानी हमारा जो वाटर कूल चिलर है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल टाइप चिलर है, 650 टीआर का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पांच लाइन है, यानी पांच चिलर हमारे एक साइड से लगे हुए हैं। हमारे चार ये जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप वाटर कूल चिलर है, जो हमारी यॉर्क का है। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं ये पूरे सिस्टम को आपको कैसे स्टार्ट करना है। जो भी बंदा ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है या जो भी है, ठीक है, अगर वो बंदा एचवीएसी से रिलेटिव है स्पेशल चिलर प्लांट के लिए, यानी सेंट्रल प्लांट, एक चिलर प्लांट को हम सेंट्रल प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, तो हमें उसका प्रोसेस जो है जानना है। अब जैसे कोई फ्रेशर है या फिर जो भी है, ठीक है, तो एक आसान भाषा में कहा जाए कि हम मतलब कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, तो अब जैसे हमें ये जो मोटर स्टार्ट करनी है, तो हमें आप गांव में भी स्टार्ट किए होंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, वाल खोल देते हैं भैया कि वाल खोल दो, नहीं तो जो पाइप वाइप जो उन्हें ना वो सब निकल जाए, यानी जहां जहां कमजोर पावर थे कायदे से निकाल जाते। तो सिंपल सी बात है, पंप वगैरह तो आपको कैसे चलाना है वो चीज आपको पता है कि हाँ क्या चीज कब चलेना, हमारे सबसे पहले वाल ओपन होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हमारे सिस्टम में ये जैसे है हमारा सिस्टम, ठीक है, तो हमारे वाटर कूल चिलर में क्या लगता है, पहला चीज तो हमारा जो मेन कंपोनेंट यानी मेन हमारा चिलर ही है, ठीक है, उसके बाद उसको चलाने के लिए जो उसके अंदर पानी का सर्कुलेशन होता है, यानी वाटर का सर्कुलेशन होता है यार, तो ये हमारा प्राइमरी पंप है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सेकेंडरी पंप ये जो यूज में नहीं लाया गया है, तो वो सेकेंडरी का काम भी हमारा यही करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी जो यूज करते हैं तो हमारे लिए स्पेस यानी जगह उसके लिए और बनानी पड़ती, ठीक है, और उसके लिए अलग सा रूफ यानी पूरा पूरा रूफ देना पड़ता, और प्लस कि उसकी मेंटेनेंस अलग से होती यार। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि यहीं पे एक ही, अब जैसे हम दो पंप लगाते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी, तो प्राइमरी की कैपेसिटी हमेशा याद रखना सेकेंडरी से कम रहती है। जैसे हमारी ये प्राइमरी पंप है, तो प्राइमरी अगर 20 हॉर्स पावर की रहेगी तो सेकेंडरी आपकी 30 हॉर्स पावर की रहेगी, क्योंकि प्राइमरी का काम होता है एचयू से पानी खींच के लाना, तो एचयू हाइट पे लगते हैं, हाइट पे, ठीक है, तो हाइट से तो पानी ऐसे ही ग्रेविटी फोर्स से, अब कोई चीज फेंकोगे यार छत पर से वो तो नीचे गिरेगी ही ना, तो उसके क्या होता है कि इसको ज्यादा ताकत नहीं लगती। लेकिन जो सेकेंडरी रहता है, सेकेंडरी का काम होता है वापस छत पे चढ़ाना, तो छत पे चढ़ाने के लिए क्या लगता है यार, ताकत लगती है ना, तो उसलिए उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया उसकी भी कैपेसिटी इसी में ही मिला दी, यानी हमारी ये जो एक पंप है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक पंप ही जो है 50 हॉर्स पावर की है, देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 50 एचपी की एक ही मोटर लगा दी गई है। तो ये है, तो हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे आ जाइए, ये था जो है हमें जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्या चीज कैसा होना चाहिए हमारे पंप में। जैसे हमारा चिलर मैंने बताया, ये हमारी प्राइमरी पंप है, ये हमारा कंडेंसर पंप है जो हमें कूलिंग टावर से पानी खींच के हमारे सेलेन ट्यूब टाइप कंडेंसर को देता है, ठीक है, इतना ही काम होता है कंडेंसर का कि हमारे कूलिंग टावर से पानी खींच के, ठीक है, एक ही पंप लगता है, कोई दो नहीं है, यही खींचता है और यही वापस से कूलिंग टावर में फेंकता भी है, ठीक है, एक ही। तो ये हमारा कंडेंसर पंप होता है, किस लिए इसका नाम कंडेंसर पंप रखा गया, क्योंकि ये हमारे कंडेंसर को पानी देता है, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाता है यार, तो मैंने क्या बताया दो चीजें, और हमारा कूलिंग टावर सबसे मेन होता है, कूलिंग टावर जहां से हमारी कंडेंसेशन होती है उसी पानी से, तो कूलिंग टावर होता है जो कि हमारे टेरिस पे लगा हुआ है। यहां से ये बिल्डिंग हमारी ये जो है 10 फ्लोर की, यानी ये जो 10 महले की है, समझ गए, ये जो 10 महले की है, तो हमारे टेरिस पे वो कूलिंग टावर लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है उसका पानी हमेशा मेंटेन करके रखना है, यानी उसको उसके टैंक होता है, जैसे आप गांव में ट्यूबवेल देखते हैं यार, उसमें उसी टंकी बनी होती है, तो सेम उसी तरह उसमें टंकी बनी होती है, तो टंकी में पानी होना चाहिए ताकि ये पंप अगर खींचे तो पानी आए ना कि हवा आए। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसमें हवा खींचे गए जिसकी वजह से इसमें एयर आ जाएगी और आपका सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। तो आपको कूलिंग टावर में पानी चेक करना है, ठीक है, कूलिंग टावर में पानी ओके होना चाहिए, टैंक फुल होना चाहिए, ओके। तो सबसे सबसे पहली चीज होती है कि आप जैसे सुबह मॉर्निंग में आए, जैसे अब ये मान के चलो 6 घंटे के लिए ऑफ हो गया प्लांट, या ये रात भर के लिए प्लांट ऑफ हो गया, आपको सुबह 7 बजे प्लांट चलाना है, तो आप कैसे चलाएंगे? तो पहली चीज है
कि आप जाएंगे, पहला चीज ठीक है कि जैसे आपको स्टार्ट करना है तो आप अलार्म को बाद में भी रीसेट कर सकते हैं जब आप सारे यानी पंप वगैरह चला दें। जैसे यहाँ पे कोई अलार्म आएगा ना तो यहाँ पे जो है रेड कलर का दिखेगा, तो आपको अगर यॉर्क का चिलर है, अगर आपका यॉर्क का चिलर है या फिर कोई भी कंपनी, यॉर्क में ये ऑप्शन है, इसको आप जो है रेड की साइड ऐसे करेंगे फिर उसके बाद ऐसे कर देंगे तो अलार्म आपका रीसेट हो जाएगा। जैसे कोई भी अलार्म आया होगा तो वो चीज़ रीसेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाइए कूलिंग टावर पे, कूलिंग टावर का पानी लेवल चेक करिए, पानी अगर ठीक है तो उसके वाल, जैसे ये हमारा इनलेट और आउटलेट, यहाँ पे दोनों जो है ये व्हील वाल लगाएंगे, यहाँ पे आप बैलेंसिंग वाल भी लगा सकते हैं, यानी बटरफ्लाई वाल भी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो बटरफ्लाई वाल लगा दिए गए हैं। तो इसका एक क्या है, ये हमारा इनलेट वाल है, ये ओपन है, ये हमारा ओपन है, ठीक है। ये हमारी इसका खुलने का पोजीशन भी आप जान लीजिए, जैसे ही हमारी पाइप का जो डायरेक्शन रहेगा, यानी अभी ये देख रहे हैं पाइप हमारी इस डायरेक्शन में है तो हमारा वाल भी इसी डायरेक्शन में, तो यानी खुला हुआ है। अगर हमारी पाइप ऐसे रही यानी आड़ी, अभी जैसे ये देख रहे हैं ये ऐसे रहे और ये वाल ऐसे रहे तो ये ऑफ कंडीशन में होगा, यानी जैसे हमारी पाइप है उसी तरह अगर वाल दिख रहा है तो वो हमारा बटरफ्लाई टाइप है, तो अगर तो ओपन पोजीशन में, ओके। तो हमने ये क्या किया है देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको जो है ना ऐसे ही कूलिंग टावर पे दो वाल लगे हो वो आपको खोल देना है। वाल खोल दिए फिर आके जो पंप चलाना है, जैसे हमें ये वाला पंप चलाना है तो हमने क्या किया, इसका भी वाल उसका भी वाल खोल दिया, ठीक है, वाल खोल दिया दोनों का। फिर हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस पंप का, जैसे हमने ये पंप चलाना है तो हमने क्या किया, ये पंप का वाल यहाँ खोल दिया और वो भी इनलेट का भी खोल दिया, ये पानी हमारा एचयू से आ रहा है और वापस से ये चिलर से होते हुए आगे जाएगा, ठीक है, यानी एचयू से एचयू में जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आपने देखा दोनों वाल हमने खोल दिए, ये कंडेंसर के वाल ओपन किए और वहाँ पे हमने प्राइमरी पंप के वाल ओपन कर दिए, ओके, और कूलिंग टावर के भी वाल आपको खोल के आना है। फिर याद रहे एयर रिलीज करना कभी मत भूलना, एयर रिलीज पंप वहाँ पे जो है एयर पंचिंग वाल लगा रहता है, देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है, एयर पंचिंग वाल से आपको यहाँ से एयर निकालनी है, ठीक है। एयर निकालने के बाद आपको आना है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने वाल वगैरह सारे खोल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका पैनल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पैनल है, ठीक है, वाल आपने ऑलरेडी खोल दिया है, तो आपको अब क्या करना है, एयर रिलीज कर दिया आपने, ठीक है, अब आप आ जाइए नीचे, नीचे आने के बाद यानी कूलिंग टावर से नीचे चले आइए, यहाँ पे ये हमारा पूरा HVAC का पैनल है, यहाँ पे आपको कौन सा कूलिंग टावर का फैन चलाना है, कौन सा पंप चलाना है, ठीक है, हमने जो वाल खोले हमें उसी पंप को जो कमांड देनी है, ओके। फिर देखिए और याद रहे वो कमांड देने से पहले यहाँ पे आप याद कर लीजिए जो चिलर चलाना है, ठीक है, अभी जैसे हमें ये चिलर चलाना है तो याद रहे हमारा चिलर का भी वाल दोनों इनलेट और आउटलेट, ये देखिए ये हमारा इनलेट है, ये भी खुला हुआ है, इसको हमने खोल दिया। फिर उसके बाद ये चिलर का है तो चिलर का ये इनलेट है और देखिए वहाँ पे उस साइड पे हमारा आउटलेट है, तो समझ गए, यानी कंडेंसर का इनलेट आउटलेट वाल, प्राइमरी पंप का इनलेट आउटलेट वाल, अगर आपके पास सेकेंडरी पंप है तो सेकेंडरी का इनलेट आउटलेट वाल, और ये हमारा कंडेंसर है तो कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट वाल, कूलिंग टावर का इनलेट आउटलेट वाल, ओके। तो ये वाल आपको ओपन कर देने हैं, आप प्रॉपर तरीके से ओपन करने के बाद अब आ जाते हैं हमें क्या करना है, फैन चलाना है, किसका, कूलिंग टावर का, तो कूलिंग टावर का फैन चलाएंगे हम यहाँ से देख, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारे कूलिंग टावर का पैनल लगा हुआ है, तो हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे MCB वगैरह जो भी लगी है इसके पैनल, देख लीजिए यहाँ पे MCB लगी हैं, ठीक है। तो हमें जैसे ये हमने तीन को ऑन करना है, ठीक है, अभी मान के चलो ये अगर ऑफ कंडीशन पे ऐसे रहेंगे तो ये क्या है, ये हमारी ऑफ पोजिशन पे है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ये हमने ऑन कर दिया, ये एक MCB हमारी एक फैन की है, ठीक है, तो आपके वहां भी जो भी स्टार्टर पैनल हो वैसा ही रहेगा, कोई अलग सा नहीं है, MCB रहेगी या फिर ड्यूअल कनेक्शन रहेगा जो भी हो स्टार्ट पैनल, तो ये हमने कनेक्शन ऑन कर दिए यहाँ से, ओके। ये हमारा क्या होगा, तीन फैन हमारे चालू हो गए, यानी ये हमने कूलिंग टावर को फैन को ऑन कर दिया है, ओके। तो देख लीजिए हमने जो है पहले कूलिंग टावर को ऑन, यानी कूलिंग टावर का फैन हमने ऑन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कंडेंसर पंप और प्राइमरी पंप में किसे स्टार्ट किया जाए, तो सबसे पहले हमें कंडेंसर पंप को स्टार्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका पानी जो है ना ठंडा पानी पहले कंडेंसर के अंदर चला जाए ताकि उसकी गैस जो है फटाक से वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बनने लगे। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पंप का पैनल है, ठीक है, ये हमारा कंडेंसर वाटर पंप है, तो हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है। तो यहां सिंपल सा है, देखिए यहां पे अगर क्या करेंगे हम,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको दबाया और ये स्टार्ट हो गया पंप। ठीक है, ये पंप हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि हमारा पंप कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये हमारा पंप स्टार्ट हो गया है, ये पंप हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभी कूलिंग टावर स्टार्ट किया, कूलिंग टावर का फैन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, पंप स्टार्ट किया। कौन सा नंबर, एक पंप हमने स्टार्ट किया जो हमने यहाँ पे दिया था, तो हमारा ये पंप स्टार्ट हो गया, बाकी पंप अभी ऑफ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी प्राइमरी पंप, अगर आपके पास, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको किसको स्टार्ट करना, आप कोई भी स्टार्ट कर लीजिए, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, कोई में से एक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम अपनी प्राइमरी को एक स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्राइमरी के लिए यहाँ पे VFD लगाई गई है, तो हम VFD को यहाँ से कमांड दे देते हैं। देखिए, ये हमने दे दी कमांड और ये हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी। ये देखिए, ये स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये पंप स्टार्ट हो गया, ये हमारा प्राइमरी पंप है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने कूलिंग टावर फैन भी स्टार्ट कर लिया, कंडेंसर पंप भी स्टार्ट कर लिया यार, और वहां पे आपने प्राइमरी पंप भी स्टार्ट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने चिलर की डिस्प्ले, यानी माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले पे। ठीक है, तो हम चलते हैं भाई, जो चिलर पे हमने कमांड दिया, जो चिलर का हमने वाल खोला है, उस चिलर को हमें देखना है। तो हमने किस चिलर पे दिया है भाई साहब, हमने इस चिलर का वाल खोला हुआ है। तो देखिए, ये हमारा चिलर है, तो देखिए यहाँ पे, अगर आप यॉर्क चिलर हो या कोई भी चिलर हो, देखिए यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, यानी ब्लिंक क्या मतलब है कि इसकी फ्लो स्विच, यानी इसके अंदर से पानी सर्कुलेट होने लगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको कमांड दे सकते हैं। याद रखना, जब तक फ्लो स्विच की कमांड यहाँ पे ना आए, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पानी सर्कुलेशन हो रहा है प्रॉपर, यानी कंडेंसर में भी आ रहा है और एवोपरेटर में भी जा रहा है, यानी चिलर में। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, कोई भी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसका सेट पॉइंट, जैसे 100% FLA पे अगर आपने सेट किया है, तो इसको हमेशा कम सेट पॉइंट पे करिए। जैसे हम अभी यहाँ पे लोकल मोटर करंट को 90% पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको 100% पे ये जो मत स्टार्ट करिए, कभी भी 80 से 90 डाल दीजिए, या मतलब 70-80 करके स्टार्ट करिए। 80% लोड पे अगर डालना है, तो मान के चलिए ये हमारा 80 है, हमने 80 किया, इसको हमें 80 कर देना, ये हमारा 80 सेट हो गया। 80 सेट करने के बाद हमने यहाँ पे यस कर दिया, यस करने के बाद ये 80 हो गया। तो ये अब 80% लोड के ऊपर नहीं जाएगा, यानी इस मशीन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आपका लोड ज़्यादा है, तो 4 से 5 मिनट बाद, या मतलब ये जो 10 मिनट बाद, आप इस लोड को ये 90% कर सकते हैं। वो सिंपल सी बात है यार, कि हम किसी चीज़ को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आपको भागना है तेज, तो आप जोर से नहीं भाग सकते एक साथ, तो मतलब स्लो स्लो भागिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो इसीलिए इस मशीन को हम डायरेक्ट लोड पे डाल नहीं सकते इतनी ज़्यादा। तो इसलिए हमेशा सेट पॉइंट आपको 70 से 80% लोड पे स्टार्ट करना है, ओके, स्टार्ट टाइम। बाकी याद में जब ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाए, तो आप बढ़ा सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे 80% लोड सेट कर दिया है, अब हम चलते हैं स्टार्ट करने। तो ये हमारी माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले, यहाँ पे हमारा जो फ्लो स्विच आ गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा स्टार्ट कर देंगे। ये हमने ये किया, ये स्टार्ट का बटन दबाया और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और एक चीज देखिए, यहाँ पे टाइमिंग आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम प्री लूप, तो सिस्टम प्री लूप का यहाँ टाइम चल रहा है। यहाँ पे आप लोग को नोटिस करना ये क्या चीज आता है, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम प्री लूप, सिस्टम वापस, ये हमारा कंप्रेसर सिस्टम जो है, ये हमारा प्री लूप हो रहा है। प्री लूप मतलब कि इसके अंदर हमारा ऑयल जब तक सर्कुलेट नहीं करेगा, ये कमांड ही नहीं लेगा, मतलब समझ रहे ना, कि यानी गाड़ी के इंजन में जब तक तेल पूरी तरह से जाएगा नहीं, तेल मतलब यार वो गाड़ी चलने, यानी पेट्रोल नहीं, जो आप डालते हो सर्विस के टाइम, तो वो तेल अगर, जैसे आप डालते कौन सा है, कोई भी है तेल, तो वो तेल अगर जब तक इसके अंदर से जाएगा नहीं, अब गाड़ियों में आपका कैस्ट्रोल पड़ता है, लेकिन हमारे कंप्रेसर में POE ऑयल आता है, पॉलीस्टर ऑयल होता है, जो पॉलीस्टर ऑयल पूरी तरह से घूमेगा नहीं, तब तक ये कमांड नहीं लेगा। अभी देख लीजिए, ये सेकंड खत्म हो गया इसका, ठीक है, ये सेकंड खत्म होने के बाद ये स्टार्ट ले रहा है। अभी आपको यहाँ पे एम्पियर चेक करना है, ये एम्पियर देखो, एम्पियर इसका बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये आपका चिलर स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये धीरे 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 एम्पियर बढ़ा, अभी बहुत तेज से आवाज होने वाली है यहाँ पे, मतलब आवाज मेरी थोड़ा रुकेगी, क्योंकि ये चिलर इतना बड़ा स्टार्ट हो रहा है यार। देखिए ये एम्पियर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आपका लोड बढ़ रहा है। ये जो हमने 80% सेट किया है, यही वही FLA है जो ये 80 के बाद नहीं जाने वाला, ठीक है,
ये आपका लिविंग चिल वाटर है जो हमारा 61 डिग्री फारेनहाइट ये एंट्री एक्सट है, ये कंडेंसर का है डेटा, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम हो गया स्टार्ट। अब आपको क्या करना रहता है, अगर आप ऑपरेटर है तो इसके ये स्टार्ट हो गया तो 10-15 मिनट आपको प्लांट में ही रहना है, यानी यहीं पे आपको इर्द गिर्द रहना, कहीं जाना नहीं कि हाँ चिलर स्टार्ट करके भाग जाओ कि हाँ कहीं जाना है कंप्लेन पे, या कोई नहीं, चिलर स्टार्ट किया उसके जो है ये मतलब 10 मिनट बाद आप रुके, देखिए कोई अलार्म वगैरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए मैंने जो 80% सेट किया था, 80% में जो मैंने सेट किया यहाँ पे क्या आने लगा, हाई करंट लिमिट आने लगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको 80% से अब 100% कर सकता हूँ क्योंकि ये लोड मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेट पॉइंट पे जाएंगे, इस 80 को हम वापस से 100 कर देंगे। यहाँ पे 100 ये आ गया 100, अब यहाँ पे हमने यस कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी ये भागेगा, देखो अभी ये 78 हुआ, अभी ये 81-82 सब मतलब आगे तक चलेगा, जैसे इसको सेंस होगा अभी थोड़ी देर बाद। देखो ये जस्ट अभी मैंने सेटअप किया है, जस्ट थोड़ी देर बाद अभी ये 80-82 में ये पहुंच जाएगा, तो आप उसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये था।